हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लड़ीवार टीवी। और आज हम लोग करेंगे आपका टर्जा रिमा। टर्जा रिमा को बहुत सारे लोग टर्जा रिमा भी बोलते हैं। तो क्या होता है टर्जा रिमा और ये क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, पोएट्री में जो आपके एलटीग्रेड सिलेबस है उसमें फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पूछा हुआ है, तो उसमें आपको पोएट्री के फॉर्म्स को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें एक आता है आपका टर्जा रिमा जो कि यूज़ हुआ है पोएट्री में। तो ये क्या होता है? ए स्टेंजा ऑफ थ्री लाइन। थ्री लाइन का एक स्टेंजा होता है, मतलब थ्री लाइन होती है स्टेंजा में, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। और इट इज़ अ वर्स ऑफ थ्री लाइन्स। इट इज़ इन फैक्ट एन इटैलियन वर्स फ्रॉम द टर्सेट। इटैलियन वर्स है टर्सेट। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ थ्री लाइन्स लाइक अ ट्रिपलेट। तीन लाइन होती है, मैंने बताया था एक स्टेंजा में इसमें तीन लाइन होती है लाइक अ ट्रिपलेट। इट इज अ वर्स अरेंजमेंट इन विच द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम। देखिए, इसमें वर्स ऐसा होता है जैसे पहली और तीसरी लाइन जो होती है आपकी राइम करती है। द मिडिल लाइन इज लेफ्ट, मिडिल लाइन रह जाती है टू राइम विद द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ द नेक्स्ट बैच। यानी कि देखिए, मान लीजिए कि देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने करा हुआ है। देखिए इसमें तीन लाइन के तीन स्टेंजा हैं, ठीक है। अब देखिए, पहली लाइन का राइम है ए और थर्ड लाइन का राइम है ए, यानी पहली और तीसरी लाइन राइम कर रही है एक दूसरे से। और देखिए इसमें जो सेकंड वाली जो लाइन है आपकी, जो सेकंड वाली लाइन, देखिए पहली और तीसरी लाइन ए ए हो गई, सेकंड वाली जो लाइन है आपकी यानी कि ये बी, ये सेकंड स्टेंजा की पहली लाइन बन जाएगी, यानी कि सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन से राइम करेगी। वही पैटर्न चलेगा, फर्स्ट लाइन फिर बी, थर्ड लाइन में जाएगा और जो इसकी जो बीच की लाइन है उसको हम बोलेंगे सी। सी जो होगी वो थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में जाएगी और वो थर्ड लाइन से राइम करेगी, और डी जो लास्ट में रिमेनिंग हो जाएगा। यानी कि दो लाइन ऊपर नीचे की एक दूसरे से राइम करती है, जो बीच वाली जो लाइन होती है वो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बन जाती है। सेम यही पैटर्न आगे, अगर कितने भी स्टेंजा है वो आगे चलता रहेगा और यही पैटर्न हमारा फॉलो होगा। देख लिए अब इसकी हिस्ट्री क्या है टर्जा रिमा की। द अरेंजमेंट ऑफ फैक्टली यूज इन डांटे। डांटे ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था इन डिवाइन कॉमेडी। इट हैज नेवर बीन सक्सेसफुल इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ज्यादा यूज नहीं हुआ। शैली ने इसको ट्राई किया, बायरन और एम्प्लॉयड इन प्रोफेसी ऑफ डांटे। ब्राउनिंग ने भी इसको द स्टैचू एंड बस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा हमको इसका जो यूज वर्स में सबसे अच्छा यूज इंग्लिश वर्ड्स में अगर हमें देखने को मिलता है तो वो पोएम है शैली की ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड जो है आपकी, जो कि सिलेबस में भी है, टर्जा रिमा में ही लिखी गई है। ये किसकी वेल नोन पोएम है? शैली की। शैली ने ये पोएम लिखी थी ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि आपकी टर्जा रिमा, ये जो पैटर्न है इसी में ये पोएम पूरी की पूरी उन्होंने लिखी थी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।